ग्यारस के दिन ठाकुर को रिझाया जाता है और बारस के दिन प्रसाद मिलता है। कल तो सारी दुनिया ने मनाया बाबा का जन्मदिन, लेकिन मडा वाला, पिंजौर, बद्दी, बरोटी वाला, पंचकुला, जगपुर, चंडीगढ़, सोलन, इन सब पर बाबा की विशेष कृपा हुई है कि प्रसाद के लिए आप सबको बुलाया। आज आप खाली नहीं जाएंगे, आप प्रसाद देकर जाएंगे। और प्रसाद वो नहीं जो यहाँ मिलेगा, प्रसाद वो, प्रसाद का मतलब प्रभु का साथ, वो प्रसाद मिलेगा जिसमें ये खाटू वाला आपके साथ ही आपके घर जाएगा। जितना भी समय हम बैठेंगे, ये मेरा मानना है कि जब नए प्रेमी बैठते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ चेहरे पहली बार, ये दरबार भी आपके लिए अनजान होगा कि ये कौन से देवता है, सिर्फ शीश है और फूल ही फूल है। ये कौन है, क्या है, किस तरह से कार्य करते हैं, मैं सिर्फ इतना सा जानता हूं कि जो हजारों सालों से बंजर भूमि पड़ी हो, अगर ये वहां बैठ जाता है तो उस धरती पे भी सोना उगलना शुरू हो जाता है।
जो सब यहाँ है वही सब ठाकुर श्याम जी में है। क्या पता जो हवा यहाँ चल रही है, जो ताली यहाँ बजाए, वो हवा में बहती बहती ठाकुर श्याम जी पहुंच जाए, हमारी हाथ भी वहां लग जाए। उठाए दोनों हाथ और ताली बजाकर बुला ले आया है और हाथ खोल के हाथों हाथ
बैठा जाए, इनको अपनी अपनी गाड़ियां कई सारे से तेरे Oh,
ये बाबा इसलिए कहलाते हैं, सनातन धर्म के देव हैं। राजस्थान में दादा को पापा कहा जाता है और राजस्थान में रहते हैं, ये देवता है इसलिए बाबा कहलाते हैं। ये भिक्षुक नहीं है, ये दानी है, इन्होंने शीश का दान दिया। इनके लिए भगवान कृष्ण को भी भिक्षुक बनना पड़ा, ये वो बाबा है। एक बार आवाज लगाना, अरे उसको देखो वो आया कि नहीं आया, जो नहीं आया उसके भाग में नहीं था। आपका सगा भाई घर में सो रहा है लेकिन आप यहाँ बैठे हो, क्यों? माँ की कोख से जन्म लेने के बाद भी कर्म एक नहीं होता, माँ की कोख के जन्म के बाद भी उसकी कृपा के बगैर कुछ नहीं होता। कृपा है तो मुझे यहाँ दिखता है पूरे ब्रह्मांड में एक ही शीश नजर आता है सर। पूरे आसमान में जब देखता हूँ तो सिर्फ बाबा का तिरंगा छापा नजर आता है, मुझे वो वहां नहीं दिखता, मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ और वहां दिखता है। आपको दिखता होगा ये नीला काला, मुझे तो सिर्फ पीला दिखता है साहब, धीरे धीरे छापा। अरे ये चांद भी हमारा है, वो कहते चांद हमारा है, भोलेनाथ ने सिर पर धरा क्या इसको? अगर चांद ऊपर है, चांद कहाँ है भोलेनाथ के सिर पे है ना, अगर ये ऊपर है तो घोड़ा नीचे ही है, तो जानवर है। बोले मैं तेलंगाना गया, बोले हैदराबाद हमारा जी, हमारा यहाँ चार मीनार। मैं बोला तुम्हारा चार मीनार पता नहीं 1400 साल के पहले बनाए या बाद में बनाए, हमारा तिरुपति बालाजी 3000 साल पहले बन गया था तुम्हारे तेलंगाना में, क्या करवा गया उसको? क्या बात करते जी। अभी एक नेताजी ने डाला था, बोले गोवर्धन पूजा है, भगवान कृष्ण ने गिरिराज जी उठाए सबके लिए, हमें धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए, उनको कोई समझाए। जब गोवर्धन ने गिरिराज उठाया था तब वो थे ही नहीं, तब सिर्फ ब्रजवासी थे, उन्हीं के लिए उठाया था, वो हम ही थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे। ये चांद हमारे लिए ही उठा रखा है, उठाया था और उठा के रखेंगे। तुम्हें तो वैसे ही दे रखा है, कभी कभी देख लिया करो। जिन्हें आंखों में लाग नहीं
तो सेठ का दोस्त बोला इसको हाथ बदल गई हो, क्योंकि जिन्हों की कोठी दाने उन्होंने कमरे की सियाने, जो आदमी के पास दो पैसे होंगे तो थोड़ा। और कई तो ऐसे देखे जितनी अंगूठियां पहली होगी मिलने आएंगे पहली सारी खोल के आपके काउंटर पे दस देंगे। देख लो मेरे पास ये एक आदमी ने घर जला लिया इस चक्कर में, अंगूठी पैर रखी सोने की, नया घर बनाया, सबको बोला देखो मेरा घर, देखो मेरा घर, देखो मेरा घर, किसी ने नहीं देखा। उन्हें घर के आग लगा दी, बोला आप देखो मेरा घर, सारे उसकी अंगूठी खेचन लग गए। बोले नहीं नहीं देखो भाई, तरह तरह घर जल रहा है बाबड़े, इतना अंगूठी की पड़ी है। कभी भी जिस चीज का अभिमान करोगे वो चीज आपसे दूर हो जाएगी। सुंदरता का अभिमान करोगे सुंदरता दूर हो जाएगी। जिस चीज का अभिमान करोगे वो चीज अगर आपके पास होगी भी तो भी उसका आप लाभ नहीं उठा पाएंगे। लेकिन जब तक कहोगे कि परमात्मा आ बह जाए, हाँ मेरे का राजा, हाँ मेरी गति, उस चीज से आपकी ये पीढ़ी नहीं सातों पीढ़ियां मौज करती जाएंगी, कभी वो चीज खत्म नहीं होगी आपके घर कभी खत्म नहीं। तो वो नौकर बेचारा 12,000 की नौकरी में लिया करता, शेर जी का दोस्त ठेला लेके आया, नौकर बोला बहुत ही हाथ लगा लो हाथ पीछे कर ले। बोला क्या इसमें? बोला इसमें मेरे बाबा जी का मुकुट है जी चांदी का। नौकर के मन में आगी एक बार देखने को मिल जाए ना बाबा का मुकुट कैसा होता है तो मजा आ। सेठ के तरले गाड़ दिए उसने, लेकिन सेठ ने मुकुट नहीं दिखाया। उस भगत ने क्या बोला? बोला पापा उसने मुझे मुकुट नहीं दिखाया, लेकिन मैं मुकुट मणि देखना चाहता हूं, मैं मेरे शाम को देखना चाहता हूं, मुझे ऐसा बना दे कि सेठ जी का तो मुकुट तू ग्रहण करियो ही करियो, एक दिन मैं भी तेरे लिए मुकुट बना के तेरे दरबार में लेकर आऊं। 20 साल नहीं लगे, ये तीर बाण धारी है, 3 साल भी नहीं लगे था, 20 साल नहीं लगा। 5 साल बाद ही उस नौकर ने ऐसा व्योग कर दिया कि उसकी फैक्ट्री से रॉ मटेरियल उस सेठ की दुकान पर आया करता, उसकी दुकान चला करती उस फैक्ट्री से, ऐसी फैक्ट्री चलाने की। अब जब फैक्ट्री लग गई ध्यान रखना, बाकी कहीं भी लिख लेना, कोई चीज कहीं बोले आना लिख लेना, लेकिन इसके लिए कुछ भी बोल के आओगे ना भूल गए तो लिखने की जरूरत नहीं है। रात को आ जाएगा 12 बजे, हाँ भाई क्या बात है, जब तो बढ़ाया था देते देते देते, जब मिल गया तो भूल के सोता बड़ा आराम से। अब वही बात उसके साथ हुई, फैक्ट्री तो लग गई लेकिन मुकुट भूल गया। अब रात को आ गया बाबा, सुने सुने, हाँ बाबा मुकुट कहाँ है भाई? बोला बाबा कल ही ले जाता हूं। बोला हाँ लिया। अब जब सवेरे उठा तो भाव भी बहुत हो गया। बोला यार रात को ना बात नहीं बनी, एक ही रात में आया, अब दोबारा पता नहीं कब आएगा। तो अगली रात सोने से पहले बोला बाबा आज रात को फिर आइए, मुकुट बनवाना कहां से ये बता के जाइए। अब रात में फिर सोया, फिर आ गया, बोला जो पिछले वाला लाया था वो जयपुर से लाया था, अब तो देख ले करते लेना है। अब भगत सवेरे उठे बोला ठीक है जी तन्ना जी तन्ना 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 पंजाबी सीखा जनाब, एक नहीं दो बारी जो प्रसन्न हो बार। अब अगले दिन सुबह तैयारी कर ली, पंजाब से बस पकड़ी, पहुंच गया जयपुर, आवाज लगा दी जयपुर के सुनियारे को, ओ ओ जयपुर का सुनियारा जी, मन श्याम धनी न सजाना है। अब जब आदमी अमीर हो जाए ना तो अपना स्टेटस बदल लेते हैं कई लोग, बढ़िया कपड़े बढ़िया ये, लेकिन जो नॉर्मल आदमी होता है बिल्कुल गरीबी से उठा होता है वो कपड़े चेंज नहीं करता, तो वैसे रहता है बस। अब उसके कपड़े जल्ले से थे, सुनार बोला रहे 100 रुपए तो इसके पल्ले नहीं होंगे। बोला मुकुट बनाना बाबे का, तो बोला पीछे है, अब सेठ जी ने कैश नहीं निकाला, नो प्लास्टिक मनी, चेकबुक बढ़िया बदले की तरह बनना है। पैसे का कोई सवाल नहीं, पहले तो चांदी का सोच के आया था, लेकिन तेरी बात सुन के ना मैं भी बाणिया हूँ,
सोने का मुकुट तेरा अरली कौन कौन चला गया बाबा का मुकुट दोनों हाथ खोल गए आयो
साल तू ही शहरत इतना बाबा जाने
एक्चुअली ब्रजगोपी जहाँ जहाँ पहुँचती है वहाँ पहले से ही पहुँच जाता है, चाहे जमुना का किनारा हो, चाहे कुएं पर चल करके जाए, चाहे बगीचे में फूल तोड़ने जाए, चाहे दही बेचने जाए, कभी यह वहाँ पहले से उपस्थित होता है। ये कभी गोरी कब तक, हाँ गोरी कब तक नैन चुरावे, फिर पीछे पड़ो सावलिया। गोरी कब तक नैन चुरावे, फिर पीछे पड़ो सावलिया। गोरी कब तक नैन चुरावे, फिर पीछे पड़ो सावलिया। ब्रजधाम की एक गोपी कन्हैया को अपने निकट बुलाती है और कुछ सिखाना चाहती है। क्या क्या सिखाना चाहती है? बंशी बजाना, गाना, नाचना और प्रेम करना। कहती है कन्हैया, ये हमसे सीखिए, ये तुम नहीं जानती।
4473 सभी अपना कूपन चेक करें, जिस पे 4473 का कूपन है यहाँ आ जाए और अपनी पांच ले जाए। आ जाए, अगर 2 मिनट बाद आए तब भी चलेगी। चलो अगर किसी भारत के पास है तो कूपन ले आए, नहीं तो पर्ची कैंसिल हो, नेक्स्ट पर्ची निकाली जाएगी, प्रधानमंत्री की पर्ची मान्य नहीं होगी। श्याम का दरबार है, सच्चे मन से 4473 चेक कर लें, यदि पर्ची द्वारा निकाली जा रही है। डबल 3 2 5 3 3 2 5 33 25 आ जाए आगे, लग रहा मुझे लगी किसी को लाठी रूप धरे ओम जय श्री श्याम हरे रतन जगत सिंहासन सिर पर डोले पापा सिर पर जमर डोले तन के सरिया बागो तन के सरिया बागो मुंडल शरण पड़े ओम जय श्री श्याम हरे जले ओ जय श्री श्याम हरे धीर चूरमा धुम पार भरे ओ बाबा पार भरे सेवक भोग लगावत सेवक भोग लगावत देवानित करे ओ जय श्री श्याम हरे तोड़ा हो गैया संगम रंग लुले ओ बाबा संग मंग लुले भगत आरती गावे दास आरती गावे जय जयकार करे ओम जय श्री श्याम हरे सब भक्तों की विनती दर्शन दे प्रेम से धरे श्याम को दान श्याम भगत पावे सदा श्याम कृपा से मान श्याम कृपा से मान श्याम कृपा से मान बुढ़ारे के सहारे वो खातून की वो शिष्य दानी की वो लंका तार की वो श्याम प्यारे की वो श्याम हमारे की वो खातून रेश की श्याम प्यारे की लाल बटे वाले की